भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की बखिया उधेड़ दी, जहां भारतीय टीम ने कीवी टीम को 108 रनों पर ऑल आउट करते हुए 8 विकेटों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज में अपना कब्जा भी जमा लिया है और 24 तारीख को खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के लिए जाने वाली है। लेकिन इस मुकाबले में तारीफ भारतीय गेंदबाजों की करनी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा तारीफ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की करनी होगी। इन दोनों ही तेज गेंदबाजों के दम पर टीम इंडिया ने कीवी टीम के पावर प्ले में हालत खराब की। लेकिन अब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी इसी गेंदबाजी के दम पर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है जो पिछले 20 सालों में कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज पिछले 20 सालों में वनडे क्रिकेट में ऐसे पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने लगातार 10 मुकाबलों में पावर प्ले में विकेट निकाली है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 10 वनडे मुकाबलों में मोहम्मद सिराज ने कुल 26 विकेट ली है, जिसमें से उन्होंने 16 विकेट पावर प्ले यानी कि 1 से लेकर के 10 ओवर के अंतराल के बीच में ली है। यह बताता है कि पावर प्ले में टीम इंडिया जो कभी विकेट निकालना भूल गई थी, अब फिर से मोहम्मद सिराज के रहते टीम इंडिया को ये सफलता प्राप्त हो रही है। मोहम्मद सिराज की फॉर्म बताती है कि आने वाले ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।